कैसे हो आप सभी लोग? एकदम अच्छे। कल हम शायद प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे थे, उसका बेसिक वाला पार्ट देख लिया था, और उसका जो पाथ होता है वो कैसा बना था? पैराबोलॉइड बना था। अब वो पैराबोलॉइड ही क्यों बना, जबकि एक्सेलरेशन तो क्या था बेटा? कॉन्स्टेंट। हाँ, क्या है? मुझे लगता है रियल बोला तुम। हाँ, तो क्या है बेटा? रियल तो है, क्या है? कॉन्स्टेंट है ना। नीचे की ओर कितना लगता है? जी लगता है ना। हाँ, नीचे की ओर बोल दिया ना, तो वो जी हो गया। फिर माइनस जी का मतलब ही क्या है? नीचे की ओर लगता है, ठीक है ना। अच्छा, तो सर ये तो इस कंडीशन में तो क्या आ गया? पैराबोलॉइड आ गया। इसको मत हिला बार बार, अब लगेगी तो लगेगी, इतना क्या ही है, डिस्टर्बेंस होता है बीच में। सीधा बैठ जा बेटा। अब देखिए, कब तो पैराबोला आएगा और कब स्ट्रेट लाइन आएगा, ये हमें तब पता लगेगा जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल पता लग जाए। पहली बात तो एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? कॉन्स्टेंट होना चाहिए। एक्सेलरेशन अगर कॉन्स्टेंट हुआ तो दो कंडीशन बनती हैं, या तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, जो हमने वन डायमेंशन मोशन में पढ़ा कि पार्टिकल को हमने ऊपर फेंका, सीधा गया और चला गया, तो ये स्ट्रेट लाइन हुआ कि नहीं हुआ, यहां पर भी एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है। या हो सकता है हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंक दे, तब भी क्या हुआ था, वो स्ट्रेट लाइन पाथ को ही फॉलो किया था, यस और नो। लेकिन अभी देखो ऐसा जा रहा है, कैसा पाथ है? पैराबोलॉइड है कि नहीं है? है। अच्छा, तो पैराबोलॉइड होने का मतलब हुआ सर कुछ ना कुछ तो एंगल का चक्कर पड़ेगा। अरे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अच्छा, तो हमें देखना है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है बेटा u है ना, अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या हो गए? पैरेलल। कैसे हो गए? पैरेलल हुए, तो कैसा बनेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। सीधी सी बात है, जैसे मान लो कि मैंने यहां से छोड़ा, जैसे ऐसे कुछ वेलोसिटी देकर छोड़ा, तो इनिशियल वेलोसिटी किधर है? नीचे। एक्सेलरेशन नीचे, दोनों पैरेलल हुए कि नहीं हुए? अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है तो कैसा आएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन। या दोनों कैसे हो जाए? एंटी पैरेलल, यानी एक इधर हो जाए या एक इधर, हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वेलोसिटी ऊपर की ओर, एक्सेलरेशन नीचे की ओर, तब भी कैसा रहता है? स्ट्रेट लाइन। यानी या तो पैरेलल हो जाए या कैसा हो जाए बेटा? एंटी। एंटी पैरेलल का मतलब प्रति समांतर, ठीक है ना। अगर ये दोनों हुआ तो कैसा बनेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है सर, बात समझ आ गई? अरे समझ आती है ना। हाँ, मैं जब ये इक्वेशन ऑफ मोशन कराऊंगा ना आपको, ट्रेजेक्ट्री की, पाथ का इक्वेशन कैसा बनेगा, तब उसके अंदर मैं प्रूव भी करा दूंगा कि देखो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी जैसा आ रहा है। अरे एटलीस्ट वाई बराबर एम एक्स जैसा आ रहा है। एक्स और वाई में रिलेशन कैसा आना चाहिए? वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, तो वो कैसा बनेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा? और उसके अंदर कैसा आता है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स टाइप का आना चाहिए, तभी कैसा बनता है? पैराबोला बनता है। अब अगर बेटा या तो एंगल कितना हो जाए, थीटा बराबर कितना हो जाए? जीरो डिग्री या 180 डिग्री। अरे थीटा जीरो क्या है? पैरेलल। 180। अगर ये दोनों कंडीशन है तब तो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। इनके अलावा कुछ भी हुआ तो कैसा आएगा? पैराबोला। कैसा आएगा बेटा? परवलय आएगा ना, परवलयाकार लिख दो, पैराबोलॉइड बोलते हैं, ठीक है ना, पैराबोलॉइड। ओके, ये बात समझ आ गई इतनी? तो कोई से भी कंडीशन हो, इन दो के अलावा हुई तो कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? तो कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत थी? अरे है क्या, मैं मान लेता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ आपको। जैसे u इक्वल टू कितना है बेटा, मैं दे दिया मैंने 2i कैप प्लस 3j कैप, कोई दे दिया, और साथ ही साथ मैंने बोल दिया कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन जो है, हाँ कॉन्स्टेंट तो है लेकिन है कितना, वो दे दिया मैंने 3i कैप प्लस 4j कैप। अब बताओ पाथ का इक्वेशन कैसा आएगा? पाथ का इक्वेशन कैसा आएगा? अब देखो, अगर ये इसके क्या है बेटा, पैरेलल होता है, तो पैरेलल वेक्टर का कंडीशन तो आपको याद होगा। अरे ए वेक्टर ए और बी अगर पैरेलल है तो कुछ ना कुछ ए बराबर लैम्डा भी होता है ना। तो देखो इसको 2 से गुणा करो, नहीं पार पड़ रहा कहीं, इसको 3/2 से करना पड़ेगा। इसको अगर 3/2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा ना, इसको 3/2 से करोगे 9/2, 4/5 आ गया, यानी दोनों पैरेलल। अगर पैरेलल नहीं है तो कुछ सोचने की जरूरत है कि कैसा बनेगा, पाथ कैसा आएगा, परवलय। चाहे 4 ऑप्शन दे दे आपको, स्ट्रेट लाइन, परवलय, एलिप्स दे दे, कैसा भी दे दे, सीधा ही क्या लिखना है? पैराबोला। कैसे लिखना है बेटा? पैराबोला लिखना है। ओके सर, बात समझ आ गई, और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। देखो कल हमने कैसे फेंका था इसको, ऐसे फेंका था थीटा एंगल पर, यू वेलोसिटी से,
अरे यसोर नो, yes, अब बताओ जी किधर था? नीचे की ओर। जी किधर था? नीचे की ओर था। सर दोनों पैरेलल भी नहीं है और एंटी पैरेलल भी नहीं है। अरे समांतर या प्रतिसमांतर है क्या कुछ? yes, इसका मतलब किस पाथ को फॉलो करेगा? तो जी किधर है बेटा? नीचे की ओर। अरे या तो जी होना चाहिए था इधर या होना चाहिए था इधर, तब तो कैसा आता? स्ट्रेट लाइन आता। कैसा आता? अब मैं जी बोलूं उससे अच्छा है मैं बोल दूं ना एक्सेलरेशन, वो भी नेट एक्सेलरेशन। अरे ज्यादा अच्छा नहीं है क्या? तो आपको देखना है नेट एक्सेलरेशन किधर आ रहा है। जिधर नेट एक्सेलरेशन आ रहा है अगर वो इनिशियल के साथ में है या एंटी में है, एंटी पैरेलल में, तब तो स्ट्रेट लाइन आएगा, वरना पैराबोला ही आएगा हर बार। कैसा आएगा? पैराबोला। और ये कैसा आएगा? टिचकू, ऐसा आया था ना। अरे बोलो। अच्छा ऐसा आ गया। अब अगर तुम थोड़ा सा भी इसको ध्यान से देखने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ये जो पैराबोला आया ना बेटा, ये पैराबोला किधर मुड़ने की कोशिश कर रहा है? जिधर तुम्हारा एक्सेलरेशन है। ये पैराबोला किधर मुड़ने की कोशिश कर रहा है? जिधर आपका एक्सेलरेशन है। यानी इसका जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा वो ट्राई करेगा किस डायरेक्शन को अचीव करने की? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को अचीव करने की। समझ रहे हो ना? हो नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास और डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है। बात समझ रहे हो ना? पूरी तरीके से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर देखोगे तो ये इस तरीके से आता जाएगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आता जाएगा। तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे किसके डायरेक्शन में आता जा रहा है? अगर तुम थोड़ा सा भी बुद्धि का प्रयोग कर लो तो देखो, इनिशियल जो एंगल थीटा है ना, वो जो इनिशियल एंगल है किसके बीच में? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में। वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कम ही होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने कल एक क्वेश्चन किया था, उसको हमने कितने डिग्री पे फेंका था बेटा? 30 पे। इधर जी लगा था। अरे यार, लगा था कि नहीं लगा था? तो इनिशियल एंगल कितना है? 120 डिग्री। कितना है? अरे 120 हुआ था ना। और सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितना आया था? सिर्फ 90। यहां पर कितना है बेटा? 120 डिग्री एंगल है किसके बीच में? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में। यहां पर कितना है? 90। कम हो रहा है ना। यहां आते आते कितना हो गया था? 60 रह गया था। अरे यार बोलो, कितना रह गया था? 60 रह गया था। बोलो बोलो, ये रह गया था 60। बोलो, ये आपका यू हो जाएगा वैसे, और ये ए है। अरे बोलो। अब इसके बाद में 60 से भी क्या हो जाएगा? कम होने लगे, कम धीरे धीरे वो जीरो की ओर जाना चाहेगा, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी है वो किधर जाना चाहती है? एक्सेलरेशन की ओर जाना चाहती है। ये बात समझ आ रही है ना? नोट हो गया होगा अब तक? अरे बोलो पक्का ना? ऐसे क्वेश्चन में कुछ चेक करने की जरूरत है क्या? ना, बिल्कुल भी नहीं है। फिर से बताओ। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे इसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन की ओर होता है। ये मतलब है, वो ये एग्जांपल है जो कल हमने किया था कि एक पार्टिकल को 30 डिग्री एंगल पर फेंका था, तो स्टार्टिंग में एंगल वेलोसिटी, ये इधर कौन है बेटा? वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियली वेलोसिटी यानी वेग और त्वरण, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। यहां पर कितना हो गया? 90। घट रहा है ना, धीरे धीरे घट रहा है। और यहां कितना हो गया? 60। किसके बीच में? ए और वी के बीच में। तो ए और वी के बीच का एंगल धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और ये ट्राई कर रहा है कि किसके डायरेक्शन में हो जाऊं मैं, वेलोसिटी ट्राई कर रही है कि किसके डायरेक्शन में जाऊं? इस एक्सेलरेशन। यहां नोट डाल के लिख लेना अपने अपने ही भाषा में कि वेलोसिटी यानी वेग हमेशा कोशिश करेगी कि उसका जो दिशा है वो ए की दिशा में हो जाए। वेलोसिटी ऑलवेज ट्राई टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। वेग हमेशा कोशिश करेगा कि त्वरण की दिशा में हो जाए। अपनी भाषा में जो भी समझ में पड़ता है वैसे लिख लो। बाकी सब छाप दिया क्या? छाप दो। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? तो अपन पैरवल्ले देख के पहचान सकते हैं वो किधर मुड़ेगा? सर। अरे बोलो। अच्छा सर, हम तो पक्की बात है हम पहचान ही सकेंगे। अच्छा तो एक बात का मुझे जवाब दीजिए आप सीधा सीधा। अब मैं किसको बताऊंगा? नेट एक्सेलरेशन को किसको बताऊंगा? और इनिशियल वेलोसिटी दे दूंगा तो आप बता सकते हो ना कि उसका पाथ कैसा होगा, किस टाइप का पैराबोला बनेगा? ओके सर, बता सकते हैं। तो देखो देखो देखो, अगर मान लो कि एक्सेलरेशन ऐसा हो जाता, पता नहीं कैसा हो जाता, ऐसा हो गया है ना, और आपका इनिशियल वेलोसिटी इधर है, बताइए बताइए इसका पाथ कैसा बनेगा? पैराबोला तो बनेगा, कैसा बनेगा लेकिन पैराबोला, ये भी तो सवाल है ना यार। इलिप्स कैसे बन? वो तो हाइपरबोला ही बात कर रहा है, वो नहीं बनने वाला।
वो नहीं बनेगा किसी भी हालत में, बनेगा ही पैराबोला। कैसा बनेगा तुमको, मतलब ऐसे तीन चार ऑप्शन दे दिए जाएं तो उसमें छांटना हो, जैसे एक ये ऑप्शन है, अरे एक दूसरा ये ऑप्शन है, एक अगला ये ऑप्शन है, तो कौन सा सही होगा? लास्ट वाला सही होगा। कैसे कैसे? जो फाइनल वेलोसिटी आपकी जो आ रही है ना धीरे धीरे, वो किधर जाने की कोशिश करेगा? एक्सेलरेशन की ओर। लेकिन तुमको ऐसे नहीं लगता ये इतने अंदर घुस जाएगा थोड़ी देर बाद? तो ये ज्यादा ठीक नहीं है। ज्यादा ठीक कौन सा? ये। अरे ये भी तो देखना पड़ेगा कहीं अंदर नहीं घुसते, ऐसा थोड़ी होता है। जैसे मान लो कि तुम ऐसे बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, है ना, और यहां से पत्थर फेंका, ऐसा तो है नहीं वो यहीं घुस जाएगा ऐसे? अरे ऐसा थोड़ी होता है कि हाँ तुमने ऐसे फेंका ऐसे घुस गया? नहीं, वो जमीन पे जाके गिरेगा ना। हाँ, वो थोड़ी देर बाद में करने वाले हैं, तो ऐसे इसके अंदर थोड़ी घुस जाएगा। हाँ, तो ये लग रहा है कि थोड़ी देर बाद में घुस जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये ठीक है, ये पैराबोला बन रहा है, थोड़ा ठीक तरीके से बन रहा है ना। हाँ, अभी मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ, तब की बात है। अरे यार, बात समझ नहीं आ रही तुमको। कैसा भी प्रश्न दे दूँ तो कर लोगे ना? तुमको क्या देखना है? इनिशियल वेलोसिटी देखनी है, और क्या देखना है? हाँ, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन होती है बेटा। स्पेशल कंडीशन पता है क्या है? एक नोट डाल के और लिख देना कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए। कौन 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 कौन? अगर एक्सेलरेशन क्या हो जाए बेटा? हाँ, वो तीसरा केस था ना, मैंने लिया नहीं था, उसमें रह गया शायद अपना। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में क्या हो जाए? परपेंडिकुलर, है ना। तो किस पाथ को फॉलो करता है ये? इनिशियल की बात कर रहा हूँ, तो किस सर्कल को, किसको, किस पाथ को फॉलो करता है? सर्कल को फॉलो करता है। समझ ही नहीं पड़ रही बात। ऐसा हमने कहीं देखा है ना? अरे एक तो वही देखा होगा सर्कुलर मोशन के अंदर, ऐसे पत्थर को घुमाया है कभी, ऐसे करके घुमाया ना? अच्छा, बहुत घुमाया। तो उसके अंदर क्या होता है बेटा? पार्टिकल कैसे पाथ को फॉलो करता है? सर्कल को ही करता है ना, सर्कुलर। उसके अंदर जब पार्टिकल मान लो यहाँ है, तब उसका वेलोसिटी इधर है, और एक्सेलरेशन वो टेंशन देता है, रस्सी कहते हो। हाँ, यही पूछ रहा हूँ। तो इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? तो वी और ए के बीच का एंगल कितना हो गया? 90। तो जब दोनों परपेंडिकुलर हों तो कैसा पाथ करेगा? सर्कल। यानी अब अपने पास में तीन केस आए कि नहीं आए? पहला केस कौन सा है? जब थीटा 0 हो या 180 हो, यानी पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, तो पाथ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर 90 हुआ तो सर्कल बनेगा। अगर इनके बीच के अलावा कुछ भी हुआ, मतलब 0 से 90 के बीच में और 90 से 180 के बीच में कुछ भी हुआ, तीन को छोड़ दो, 0 को, 90 को और 180 को, इनको छोड़ दोगे तो कैसा बनेगा? पैराबोला। 0 और 180 पर स्ट्रेट लाइन, 90 पर सर्कल। अरे बोलो यार, ये सही बात नहीं है, पूरी तरीके से सही नहीं है। इसका मतलब है कि हमेशा वो वेलोसिटी जो है एक्सेलरेशन के क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। हमेशा कैसे? जैसे इसके अंदर देखो तो वी इस डायरेक्शन में है ना, तो ए इस डायरेक्शन में, अभी तो परपेंडिकुलर है, थोड़ी देर बाद में देखोगे तो वी इधर हो गया ना, चेंज हुआ ना, उसी के साथ ए भी तो चेंज हो गया। वो हमेशा होना चाहिए, ये एंगल इनिशियल नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हमेशा। सर्कल तभी बनेगा जब वो हमेशा यू और वी के बीच का एंगल कितना बनेगा, सॉरी वी और ए के बीच का एंगल कितना हो? 90 डिग्री। और हर इंस्टेंट पे आए, ऐसा नहीं है कि जब स्टार्ट कर रहे हैं मोशन उसी इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ, तो ये है पूरी बात। नहीं समझे? तो अब मैं बोल सकता हूँ ना तीन कंडीशन। पहली कंडीशन, जब 0 और 180 डिग्री हुआ तो कितना होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन। दूसरा, जब उसके बीच में कुछ भी हो तो पैराबोला बनेगा। क्या होगा? पैराबोला। लेकिन सर्कल कब बनेगा? सर, सर्कल तब बनता है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का बीच का एंगल हमेशा क्या हो? 90 डिग्री। या सीधे शब्दों में बोलूं कि जो भैया फोर्स लग रहा है ना, किसी भी पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है, वो हमेशा उसकी मोशन के क्या रहना चाहिए? परपेंडिकुलर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अगर परपेंडिकुलर रहेगा तभी वो किस में रहेगा? सर्कुलर पाथ में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ये क्वेश्चन करा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा, है ना, ये 11वीं वाले बच्चों को समझ में नहीं आता है, आपने कर रखा तो इसलिए आ जाएगा। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और इसके अंदर कोई प्लस का चार्ज है, क्यू मास एम है, उसको मैं वी वेलोसिटी दे दूं, तो बताओ उसको कैसा, उसका पाथ कैसा होगा?
उसका सर्कल ही होता है, हमने पढ़ रखा है ना। देखो इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर, इसके ऊपर क्या लगेगा फोर्स, अभी फोर्स यहां लग रहा है इसका मतलब ये मुड़ेगा, लेकिन मुड़ते ही उस फोर्स के डायरेक्शन भी मुड़ जाएगी क्योंकि F बराबर Q इनटू में V क्रॉस भी होता है ना, क्यू वी भी साइन थीटा करते हैं अपन। अरे बोलो तो भैया V बदला, V बदलेगा तो अपना A भी बदलेगा, तो जो लगने वाला फोर्स होता है वो हमेशा क्या रहता है, बदलता ही रहता है, लेकिन जो भी फोर्स होता है वो वेलोसिटी क्या रहता है, हमेशा परपेंडिकुलर। इसलिए वो पाथ किस फॉलो करता है, किस पाथ को फॉलो करता है, सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। तो सर्कुलर पाथ कब आएगा बेटा, जब यू और यू नहीं मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल हमेशा कितना होना चाहिए, हमेशा हमेशा होना चाहिए। और वो जो हमने कंडीशन देखी थी वो इनिशियल देखी थी, कौन सी कंडीशन देखी थी, इनिशियल। अगर इनिशियल 0 180 है तो स्ट्रेट लाइन, अगर इनिशियल 0 180 के अलावा कुछ भी है तो पैराबोला। अरे बोलो यार, आया कि नहीं आई बात समझ में। इसी तरीके से जैसे अपने पास में ये लगा हुआ है ना बेटा, एक बिल्डिंग हवा लेते हैं और इस बिल्डिंग के ऊपर आपने क्या करते हो, ऐसे फेंकते हो यू वेलोसिटी से, तो अभी जी किधर लग रहा है, अरे नीचे नहीं लग रहा क्या, क्या अभी परपेंडिकुलर है ना, इसका मतलब सर्कल होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। सर्कल तो तब होगा ना जब हमेशा कितना रहे, अरे बोलो कितना रहना चाहिए, सीधा बैठ, हमेशा एंगल कितना होना चाहिए। लेकिन देखना जैसे ये थोड़ा सा अपने पास ऐसा पाथ का आएगा, जी अभी भी ऐसा ही लग रहा है और वेलोसिटी तो ऐसी होगी ना, एंगल 90 से क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन जी ने अपनी डायरेक्शन बदली गया। अगर जी भी अपनी डायरेक्शन बदल देता टाइम के साथ में, तब तो ये एक सर्कल को ही घूमने लग जाता। नहीं आ रही बात समझ रहे हैं, हाँ यहाँ पे परपेंडिकुलर है लेकिन हमेशा परपेंडिकुलर नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल कंडीशन में परपेंडिकुलर है तो भी पैराबोला ही आएगा, तो भी क्या बनेगा, पैराबोला ही बनेगा। इस तरीके से आ रही बात समझ में, तो ये तो समझ में आने लग गया होगा कि पाथ कैसे बनेगा। अरे बोलो यार, अच्छा अच्छा अच्छा, तो हर कंडीशन और हर ढंग और पूरी ढंग से आनी चाहिए ना अपने को। हाँ क्वेश्चन ये है बेटा, सिंपल क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन ये है कि एक प्रोजेक्टाइल इस तरीके से फेंक रहे हैं, एक पार्टिकल है बेटा, इसको क्या किया गया है 50 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, कितने एंगल पर फेंका गया है, 37 डिग्री पर, 37 डिग्री पर, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये कुछ इस तरीके से पाथ को फॉलो करेगा, अरे बोलो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, बढ़िया करेगा सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे बोल यार, अच्छा अब जो आपको निकालना है, जी की वैल्यू 10 लेनी है, ठीक है ना, जी की वैल्यू आपको लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे की ओर लग रहा है, अरे बोलो, अच्छा तो आपको क्या करना है, फाइंड वेलोसिटी है ना, वेग ज्ञात करना है या स्पीड ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करना है, स्पीड ज्ञात करो, कब ज्ञात करनी है बेटा, स्पीड, स्पीड ज्ञात करनी है जब 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 u तथा v यानी इनिशियल वेक्टर और ये क्या है फाइनल वेक्टर के बीच का एंगल, के बीच का एंगल, एंगल 67 डिग्री हो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको 50 मीटर पर सेकंड से फेंका, इनिशियल एंगल कितना है 37 डिग्री, अरे बोलो, और जी की वैल्यू कितनी है 10 हो गया। अब आपको क्या बताना है, स्पीड बतानी है, स्पीड कब बतानी है, जब u और वेक्टर v, u क्या है इनिशियल, अरे इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, और ये क्या है फाइनल, जब उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए 67 डिग्री हो जाए। अरे बोलो बात समझ आ रही है क्या, बता दो इसको। तो देखो कैसे करना है, अब देखो थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लो तो ताकि और भी जल्दी हो जाए क्वेश्चन। अरे यार नहीं, कैसे एनालाइज करेंगे सर, इनिशियल एंगल कितना है 37, तो ये इस तरीके से जाएगा, वेलोसिटी यहाँ पे हुई ना वी, बताओ हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर यू और वी के बीच का एंगल कितना हो गया, यू मतलब है इनिशियल वेलोसिटी और वी के बीच का एंगल कितना हो गया 37। अरे यार इनिशियल वेलोसिटी यही है ना, और फाइनल वेलोसिटी कितना एंगल आएगा, क्या बात कर रहे हो, अरे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर कितना हो जाएगा 37। अरे ये 37 देखो पहले स्टार्टिंग में जीरो रहेगा दोनों के बीच, क्योंकि इनिशियली फाइनल है स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे, तो जीरो है, धीरे धीरे वो ऐसे झुकाव कम हो रहा है ना, तो उन दोनों के बीच का एंगल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अरे यार नहीं समझ आ रहा तुमको, ये इनिशियल वेलोसिटी है कि नहीं है,
अब थोड़ी देर बाद में वेलोसिटी क्या हो रही है, ऐसे कम हो रही है ना, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, और यहाँ पर ऐसे होगी, तो देखो ये कम हो गए, तो फाइनल वेलोसिटी ऐसे होगी, तो इस समय एंगल कितना आएगा, 37 आएगा ना, और फाइनली 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 क्या हो जाएगा बेटा, ये इस तरीके से आएगी, यू वापस यू बन जाएगा, ये वापस यू बनेगा कि नहीं बनेगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अरे बोलो, जिसमें हॉरिजॉन्टल तो नहीं बदलेगा, लेकिन वर्टिकल जो ऊपर की ओर जा रहा था वो किधर हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा, लेकिन एंगल कितना हो जाएगा, जितना 37 यहां बन रहा है उतना ही वहां बनेगा, तो मतलब फाइनली कितना हो जाएगा, 74 डिग्री। इनिशियली कितने पे फेंका था, 37, तो इनिशियल वेलोसिटी, अरे मैं इस बार वेलोसिटी वेक्टर की बात कर रहा हूं, एक्सेलरेशन की नहीं कर रहा हूं, तो इनिशियल वेलोसिटी किधर है, इधर, धीरे धीरे वो कम हो रहा कम हो रहा कम हो रहा, फिर नीचे की ओर बढ़ गया, तो कितना हो सकता है मैक्सिमम, 37 74, कितना हो सकता है बेटा, ये बात समझ आ गई ना, अरे यार आई कि नहीं आई, आई। अब ये क्या बोल रहा है कि अपने जो अपन को निकालना है वी, स्पीड निकालनी है ना, स्पीड का मतलब क्या हो गया, हमें वी निकालना है, सीधी सी बात है, और वो कब निकालना है, जब एंगल दोनों के बीच का कितना हो जाए, 67 डिग्री हो जाए। तो देखो बेटा 37 तो है ही, अब इस 37 के अंदर कितना और ऐड करना है, 30, अरे यार, तो अपना वेलोसिटी कुछ ना कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, तो मुझे लग रहा है कि वो कहीं यहां पर होगा, बोलो, अरे बोलो, अच्छा तो वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना हो गया, ये 30, हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना हो गया, कितना हो गया, अच्छा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, v cos 30, और इधर कितना हो जाएगा, v sin, अरे होगा कि नहीं होगा, इस v के हिसाब से मैं लिख सकता हूं ना कंडीशन, अच्छा अब मुझे बताओ इसके हिसाब से क्या होगा, 50 cos 37, और इधर वाला 50 sin, बोलो, मौसम बदला, दुनिया बदला, जमाना बदला, क्या नहीं बदला, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं, अरे बदलेगी क्या, अगर ये नहीं बदली तो मैं क्या लिख दूंगा, 50 cos 37 इज इक्वल टू कितना आएगा, v cos 30, अरे सर क्या बात है, तो ये कितना आया बेटा, v तो निकालना है सर, ये आया 50 cos 37 4/5 होता है इज इक्वल टू v इनटू में, sin 30 कितना होता है, √3/2, जरा कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा, 40 40 को 2 से गुणा कर दो, 80/√3, अरे यार कितना सिंपल था, अरे था कि नहीं था, अगर अपन को एंगल पता लग जाए तो अपन कंपोनेंट ले सकते हैं, कंपोनेंट आ गए तो अपने पास में सारा कुछ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अरे यार तुम बोल नहीं रहे हो, बोलो सिंपल क्वेश्चन था, कोस 37 याद तो करवाया था कितनी बार, कोस 37 साइन 37 और टेन 37 इनके बाद याद ही कर ले, अब 37 के याद हो जाएंगे तो 53 के भी याद हो जाएंगे क्या, अरे वो तो आएगा ना उस पर, तो बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस चलेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें, तू वैसे ही सही हो जाएगी क्या, नहीं हो पाएगा सही, समझ में आएगा, पूरा समझाएगा एकदम, टेंशन मत लो, अच्छे वाले लेवल वाले क्वेश्चन बनते हैं वहां से, तगड़ा होता है। चलो तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, 5 की इक्वेशन के, ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कुछ पता ही होगा, जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, ठीक है भैया, ये ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म है, इसके अंदर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है ना, इस कमरे में इधर से इधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर मैं एक क्यू चार्ज को छोड़ू, क्यू चार्ज को, और एम मास है इसका, तो बताना इसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, या कैसा होगा, या सर्कल बनेगा, या क्या बनेगा, सर्कल बनेगा इसका, सर्कल बनेगा, अरे भैया एम जी भी लगेगा ना, अगर अपन यहां छोड़ेंगे तो एक एम जी भी लगेगा, दो फोर्स लगेंगे ना इसके ऊपर, एक तो F बराबर Q ही लगेगा, yes. अरे बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा, तो मैं इसका Q मास M मान लेता हूँ, तो एक फोर्स लगा Q ही, इस डायरेक्शन में लगा कि नहीं लगा, कुल मिलाकर एक्सेलरेशन आया, अरे Q ही बाई M कर दो, मास से डिवाइड कर दो, तो एक्सेलरेशन आया कि नहीं आया, तो एक एक्सेलरेशन तो इधर आ गया, और दूसरा एक्सेलरेशन G से आया कि नहीं आया, आया, अगर आया तो इधर आया, अब इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ना, क्योंकि ये तो दोनों एक्सेलरेशन है, अरे ये एक क्या आएगा, क्यू ई बाई एम आएगा, एक क्या आ रहा है जी,
तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा कि नहीं आएगा? ए नेट आया कि नहीं आया? आया। और हमने इसको कैसे छोड़ा है? रेस्ट से छोड़ा है। रेस्ट का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। अब बताओ ये किस बात को फॉलो करेगा? पैराबोला होगा, सर्कल होगा, क्या होगा? सर्कल होगा। देखो सर्कल तो नहीं होने वाला, हमेशा परपेंडिकुलर रहना चाहिए, वो तो नहीं होगा। ये बनेगा स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा? कैसे समझ लेते हैं कैसे? अरे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। जीरो है ही नहीं, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ही। अरे है क्या? नहीं है। तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा जिसमें क्या है? नेट फोर्स लग रहा है, और नेट फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो इसी डायरेक्शन में चला। इसके पास इनिशियल वेलोसिटी ही नहीं है। तो ऐसे जैसे इसको मैं इसको छोड़ रहा हूँ, तो ये किधर जाएगा? नीचे की ओर। क्यों जा रहा है? क्योंकि जी नीचे की ओर लग रहा है, स्ट्रेट लाइन। अरे यार नहीं समझाई बात, कॉन्स्टेंट है। अरे यार, अरे कॉन्स्टेंट होना चाहिए ना। और यू कितना हो गया? जीरो ही हो गया। तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन ही आएगा। लेकिन 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 अगर U इसका होता कैसा होता भैया? इसको मैं मान लो कि इधर फेंक रहा होता, U इस डायरेक्शन में होता। अब बताओ, अब इस बार पक्की बात है कैसा था? पैराबोला था। क्यों? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन है इधर, इसका वेलोसिटी सॉरी इनिशियल वेलोसिटी है इधर, और ये पैराबोला कैसा होता? धीरे धीरे झूम झूम के झूम झूम के इसकी ओर मुड़ने की कोशिश करता, झूम झूम इस तरीके से। अरे बोलो सर, क्लियर है ये चीज? पक्का ना? कोई समस्या? पक्का हो गया? कुछ और चीजें डिस्कस कर ले सर, सब नया ही आता जाएगा तेरे लिए। तो जरा देखो यहां से क्या कर रहे हैं बेटा, एक पार्टिकल को इनिशियल यू वेलोसिटी से अगर हम फेंक रहे हैं, अगर फेंका फाकी कर रहे हैं, तो एक थीटा भी होगा अपने पास, और क्या होगा थोड़ी देर बाद में इसका पाथ का ऐसा बन जाएगा। अच्छा क्या तुम मुझे बता सकते हो यहां पर कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी आएगी ना बेटा? ये वी वेलोसिटी आएगी। इसमें दो चीज होंगी, एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी और एक वर्टिकल। अरे यार बोल नहीं रहे हो तुम, होगी कि नहीं होगी? ये होगा यू एक्स, सॉरी ये होगा वी एक्स, वी एक्स लिख दूं ना, और ये क्या हो जाएगा बेटा? वी वाई। तो जो नेट वेलोसिटी है, कल भी लिखी थी फिर से लिख रहा हूं, तो नेट वेलोसिटी वो क्या आ जाएगी बेटा? वी एक्स आई कैप प्लस में वी वाई। सर ये तो बदलेगी ही नहीं, कुछ भी बदलो, यू कोस थीटा, यू कोस थीटा आई कैप। अरे बोलो यार, यू साइन थीटा, वी बराबर यू प्लस एटी, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। अब देखो इसका अपन यूज कहां कर सकते हैं, कहां यूज कर सकते हैं? देखो क्या कोई बच्चा बता सकता है मुझे ये एंगल कितना आएगा? ये एंगल मैं अल्फा मान लूं, तो अगर किसी इंस्टेंट पर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखना हो तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। ए बोल ही नहीं रहे। अरे निकाल सकते हैं ना सर। कैसे निकालेगा? इसके पास दो है ना। अरे बोलो टेन अल्फा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? कितना आएगा? वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, तो वी वाई अपॉन में। Yes. तो बेटा tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आया? यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन में यू थीटा थीटा। अब देखो जरा, देखो जब तक ये जीरो नहीं हो जाता, और ये जीरो कहां पर होता है? अरे सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर। अरे वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी है ना, तो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो उस समय अल्फा भी कितना हो जाएगा? जीरो। देखो जरा जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा? Yes, हो रहा है। और उससे पहले ये चीज पॉजिटिव है ना, क्योंकि वेलोसिटी किधर की डायरेक्शन में है? ऊपर की ओर है। इसका मतलब ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो एंगल भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। एंगल नापना आता है ना आपको, एक्स एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अरे बोलो, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही ये नीचे आने लग जाएगा, ये कितना बन जाएगा? नेगेटिव। ये बनेगा ना इस टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद में कैसा बन जाएगा? नेगेटिव। इसका मतलब है इस बार एंगल भी कैसा आएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव एंगल का मतलब है कि आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापना है। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। कैसे? जैसे ये लाइन होती है ना बेटा, तो इस डायरेक्शन में नापते हैं, तो वो तो क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। और ये कौन सी होती है बेटा? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। ठीक है ना?
हाँ, तो ये नेगेटिव के लिए, ये किसके लिए है? नेगेटिव के लिए, किसके लिए? पॉजिटिव के लिए। ये तो एंगल आपने सीखा रहेगा मैथ के अंदर, ट्रिगो के अंदर। अरे बोलो, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ। अरे मैं टाइम की वैल्यू दे दूँ तो टाइम बता सकते हो, उस टाइम के ऊपर वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी के लिए क्या करो, टी की वैल्यू रख दो। अरे आएगी कि नहीं आएगी टी टाइम के बाद में? मैं बोलूँ टी टाइम के बाद में इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, जी सर आराम से बता देंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे बताना होता है? डिस्प्लेसमेंट कैसे बताना होता है सर? तो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन लिख देते हैं। अरे अरे बोलो बोलो, डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन क्या होगी बेटा? दो डायरेक्शन का लिखना पड़ेगा, एक्स आई कैप प्लस में एक्स वाई जे कैप। अरे बोलो सर। अच्छा तो एस बराबर, ये तो कितना है सर? इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो कितना होगा? यू कोस थीटा इन टू टी। अरे बोलो ये कितना हो गया? यू कोस थीटा इन टू में टी, आई कैप आया कि नहीं आया? और वाई डायरेक्शन का कितना आएगा? एस बराबर यू टी माइनस हाफ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ तो माइनस जी लगी रहा है, तो बोलो बोलो कितना आएगा? यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन ये जो ए है वो माइनस। अरे यार बोलो ये क्या हो गया? जे कैप। अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, वो कैसे आ जाएगा? अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, दिए गए टाइम पर निकल जाएगा नीचे। क्या तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो ना? तो डिस्प्लेसमेंट तो वैसे यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाला सीधा होगा। अगर मान लो कि कल को यहाँ पहुँच गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अरे विस्थापन इतना ही होगा ना, तो वो निकल जाएगा ना इस फॉर्मूले से। दिक्कत तो डिस्टेंस के साथ में है। दिक्कत किसके साथ में होती है? अच्छा डिस्टेंस, मैं वन डायमेंशन मोशन में कर चुका हूँ वैसे सर। मोड लगा के करते हैं, किसका साथ मोड लगाते हैं? मोड किसके लगाते हैं? वेलोसिटी के लगाते हैं, क्योंकि वेलोसिटी का जो मोड होता है वही क्या होता है? स्पीड। तो हमें स्पीड का इंटीग्रेशन करना है। जब वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और जब स्पीड का इंटीग्रेशन करेगा तो डिस्टेंस मिलेगा। तो डिसटेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? मोड लगाना पड़ेगा, मोड वी डी टी, और टाइम पीरियड तो आ ही जाएगा जिस भी टाइम के ऊपर मुझे चाहिए। टाइम दिया होगा, हम यहाँ से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अरे बोलो, कोई एक आधा पर्सन करने की जरूरत है क्या इसके साथ, डाटा के साथ, कि इतने पे फेंका, इतने एंगल पे फेंका, तो इतने टाइम के बाद में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बताओ, एंगल बताओ। एक कर लेते हैं, एक तो बनता ही है। चलो ये इतना नोट कर लो कि कैसे कैसे चीज़ों को कैलकुलेट करना होता है। सब चीज़ें लेंगे ना तो हवा हालत ख़राब हो जाएगी क्या? साइड होती है, है? किसका में? क्यों भाई सीधा बैठो सारे, ठीक है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और क्या कहता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हमने क्या किया है, एक पार्टिकल को 30 मीटर पर सेकंड से फेंका है 37 डिग्री के एंगल पर, ठीक है ना? आपको बताना है तीन सेकंड बाद, तीन सेकंड ज़्यादा ले लेंगे, दो ले लो, दो सेकंड बाद क्या बताना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहला तो क्या बताना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा क्या बताना है? दूसरा क्या बताना है? एंगल। अरे आ गया ना, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक चीज आ गई। और क्या बताना है? एंगल विद हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ द वेलोसिटी, एंगल ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का किसके साथ में? हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल, एंगल ऑफ वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल। समझ जाओगे ना? इसको हिंदी में लिखना चाहो लिख लेना, क्षितिज के साथ वेग का कोण, ठीक है? हो जाएगा, सिंपल चीजें हैं, बड़ा ही सिंपल चीजें हो गई। तो सर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तो मैं सीधा ही लिख सकता हूँ, कैसे? डिस्प्लेसमेंट के लिए तो कुछ नहीं करना मुझे, सीधा सीधा वो लिखना है। तो ये कितना आएगा बेटा? यू कोस 30, यू कोस 30 हो जाएगा 24। अरे 30 इंटू में 4/5, अरे आएगा कि नहीं आएगा? 30 कोस 37, तो ये कितना आ गया? 24 आएगा। अरे यार 4/5 आएगा ना, ये 4/5 6 6 24, ठीक है। और एक इस डायरेक्शन का वेलोसिटी आएगा, वो कितना आएगा? 30 साइन 37, ये कितना हो जाएगा? 3/5 18, कितना जाएगा ये? 18।
चलो सर ये तो दो चीज तो आ गई। हाँ सर। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या आएगा, एक तो एक्स डायरेक्शन का और एक वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, अरे वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन तो नहीं है। अगर नहीं है तो क्या लिखूंगा बेटा, 24 इंटू में टी आई कैप, अरे बोलो, प्लस में वाई डायरेक्शन का भी। वाई डायरेक्शन का कितना होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस यू कितना है 18, अरे 18 टी माइनस हाफ जी इंटू में टी स्क्वायर जे कैप। अरे यार बोल, तो ये कितना आ गया बेटा, टी का वैल्यू रख दो, दो तो कितना हो जाएगा 48 आई कैप प्लस ये कितना हो गया बेटा 18 दूनी 36 माइनस ये कितना हो गया 10, तो ये हो गया और 2 का स्क्वायर 20 आएगा, अरे 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 का 2 और 10 20 आएगा, कितना आएगा 26 क्यों आएगा, 16 आएगा ना, तो ये कितना आ गया 48 आई कैप प्लस में 16 डिस्प्लेसमेंट आया। ये तो क्या आया, वेक्टर रूप में आ गया। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे तो क्या जाएगा, अंडर रूट 48 का स्क्वायर प्लस में 16 का स्क्वायर मीटर। अरे बोलो यार, ये डिस्टेंस आ गया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालने से पहले अपन को क्या निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी, क्योंकि उसी का क्या करेंगे, मोड करेंगे और उसी का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अरे बोलो, तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी क्या आएगी, दो कंपोनेंट आएंगे, तो एक्स डायरेक्शन का और एक, अरे बोलो यार एक्स डायरेक्शन का कितना होता है, वो तो सेम ही रहता है सर, बदलता ही नहीं है, तो वो कितना हो गया 24 आई कैप प्लस में वाई डायरेक्शन का v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो बोलो कितना आ जाएगा 18 माइनस जी टी जे कैप। अरे यार नहीं आई बात समझ, आ रही है थोड़ी थोड़ी, आनी भी चाहिए। अच्छा सर, तो ये कितना बन जाएगा, दो सेकंड के बाद पूछा है ना, तो दो सेकंड पे कितना हो जाएगा 24 आई कैप माइनस 2 जे कैप कर दूं, कर दिया, अरे दो रखो 10 तो नहीं 20 हो गया। अरे बोलो, अब एक तो एंगल पूछा है, तो एंगल तो वेलोसिटी का सीधा ही आ जाएगा, अरे नहीं आएगा क्या, ये इसका मतलब समझते हो ना, 24 आई कैप तो इस दिशा में है और 2 इस दिशा में है, तो आपका वेलोसिटी कुछ इस दिशा में आएगा कि नहीं आएगा, और हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल अल्फा हो गया, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा है तो टेन अल्फा को क्या लिख सकता हूँ मैं, वर्टिकल अपॉन में हॉरिजॉन्टल, तो तुमको पता लग गया कि अल्फा जो नीचे की ओर आ गया, तब तो कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमको ये नहीं पता कि ऊपर की तरफ आएगा नीचे की तरफ आएगा, तो सीधा सीधा रख दो, अपने आप आ जाएगा। अगर नेगेटिव आ रहा है तो नीचे की तरफ, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वैसे रखने की जरूरत नहीं। 2/24 कितना हो गया, 1/12, तो अल्फा बराबर कितना हो गया 10 इनवर्स, ये किसके साथ है, नीचे की ओर है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, समझ गया, क्लॉक वाइज डायरेक्शन नेगेटिव में आ रहा है वैसे, ठीक है सर हो जाएगा आराम से। लेकिन अभी तक डिस्टेंस का काम नहीं हुआ है, तो डिस्टेंस का काम निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा तुमको, स्पीड निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, स्पीड। अरे बोल यार, यस सर, पक्का ना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर कोई दिक्कत नहीं। तो भैया मोड वी इक्वल टू कितना आया, इसको देखो, किसको देखना है, इसको देखना है तुम्हें, टाइम वाला देखना है, ये तो उस इंस्टेंट पर है, ये तो 2 सेकंड पर है, हमें तो 0 से 2 सेकंड तक पूरा निकालना है ना। अरे वो छोटा छोटा पाथ आएगा कि नहीं आएगा, इसे ये लंबाई सब ऐड करनी है कि नहीं करनी, करनी है ना, हाँ, तो सारी लेंथ जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका निकालो, इसका जो जिसके अंदर टाइम गिवन है, कितना आएगा 24 का स्क्वायर प्लस में 18 माइनस, अरे यार नहीं सर, ये क्या आ चुकी है, स्पीड आई कि नहीं आई। अब इसका क्या कर देंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस में 18 माइनस जी टी का स्क्वायर 0 से लेकर 2 तक dt, ये वैसे भी पॉजिटिव रहता है स्क्वायर रूट, तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कहाँ बदलेगा, चेक बदलने वाला ही नहीं है, तो ठीक है फिर। अब ये इंटीग्रेशन आपको आता है क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अरे यार अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला नहीं है क्या, वो बड़ा सा फॉर्मूला लगता है, सीखा होगा ना तुमने, वो लगा देना आपका आंसर आ जाएगा, सही में आंसर थोड़ा पेचीदा आएगा बट आ जाएगा, क्योंकि वैसे भी पैराबोला बन रहा है ना। Thank you.
चलो 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 चलो, सीधा बैठ बेटा, डिप्रेशन में आ गया। बात करते डिप्रेशन में आ गया तो किसके किसके आते हैं तो सपने? केमिस्ट्री के आते हैं, केमिस्ट्री के की बालिका या देख लो। हाँ इधर ध्यान दे ले, खाबों में खोया रहता है। हाँ जरा ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? हाँ क्वेश्चन है इस तरीके का, ये हमने क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल को फेंका बेटा, है ना, एक को फेंका हमने 43 डिग्री एंगल पर, वेलोसिटी कितनी है उसकी, u ही है। दूसरे वाले को भी हमने फेंका u से, और वो कितने से फेंका, वो हमने फेंका 48 डिग्री से, ठीक है। अब बताना है रेंज किसकी ज़्यादा होगी, क्या बताना है रेंज, मतलब इसका मैं बोल दूँ r1 और r2, आपको बताना है r1 ज़्यादा होगा कि r2, मतलब तीन चार ऑप्शन दे देता हूँ मैं। पहला है r1 greater than r2, दूसरा है r1 less than r2, तीसरा है r1 बराबर r2, और चौथा है none। बताओ बताओ बताओ, r1 होगा बड़ा, सेकंड वाला r2 इसका बड़ा होगा, दोनों बराबर होंगे, सभी दे दो फिर, तो चौथा भी दे दो कोई, पहला ऑप्शन यानी r1 ज्यादा होगा, यही कहना चाह रहे ना, तुक्का तुक्का ही था, फिर बता कैसे, ये भी बता दे, सब सभी तो तुक्का मार रहे हो, करो जरा ट्राई करो। अरे यू जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सेम है दोनों के लिए, एंगल अलग अलग है, तो रेंज में क्या फर्क पड़ेगा तो देख लेते हैं क्या। अच्छा देखते हैं, अगर तुम वैसे भी निकाल रहे हो तो आ ही जाएगा, रेंज का फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है 2u² sin थीटा cos थीटा, और अगर उसके अंदर ध्यान से देखो तो फॉर्मूला वास्तविकता में क्या बोलता है, 2ux uy/g। अब u क्या कॉन्स्टेंट है इसकी जगह, यहाँ पर क्या कॉन्स्टेंट है, u कॉन्स्टेंट है सिर्फ, तो इसका मतलब है जिसका साइन 2θ बड़ा हो जाएगा वही होगा। अब इसका साइन 2θ कितना बनेगा, 86, इसका कितना बनेगा 96, ये तो पता नहीं सर, पता है क्या किसी को, पता है क्या एग्जैक्टली, तो नहीं पता ना, पता कर सकते हो वैसे, अरे तो ये तो पता नहीं है ना एग्जैक्टली, तो ठीक तरीके से पता नहीं आपको, पता कर सकते हो वैसे, ऐसी बड़ी बात नहीं है ट्रिकों के अंदर, लेकिन मैं कुछ और सिखाना चाह रहा हूँ, मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ बेटा, अगर तुम्हारा एंगल 0 डिग्री होता, एंगल 0 डिग्री होता तो रेंज कितनी आती, 0। अरे साइन थीटा r इज इक्वल टू क्या होता है, u² sin 2θ/g, अगर थीटा ही 0 होता तो रेंज कितनी आती, 0। अब मैं 0 से बढ़ा रहा हूँ तो रेंज का मान कुछ आएगा 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 और 45 तक, ये मैक्सिमम कब होता है बेटा, जब 2θ 90 हो जाए, यानी थीटा कितना हो जाए 45, तो r मैक्स कितना होता है u² / g, और वो कब होता है थीटा बराबर 45, यानी 45 डिग्री के ऊपर क्या हो गया बेटा, बढ़िया तरीके से अधिकतम जितना दूर जा सकता चला जाएगा। अब 45 से जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो वापस रेंज क्या होना शुरू हो जाएगी, कम, और अगर 90 कर दिया तो सीधा ऊपर जाएगी वापस, रेंज फिर से कितनी आई है 0, यानी 0 पर भी 0 और 90 पर भी 0 आ रही है ना रेंज। अच्छा वही बोला था मैंने, चाहे हॉरिजॉन्टल के साथ देख लो चाहे वर्टिकल के साथ, रेंज तो क्या आएगी ऑलवेज समान ही आ रही। अब देखिए अगर तुम थोड़ा सा भी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो तो थीटा जो है बेटा जैसे 0 से लेकर 45 तक जाती है तो जो रेंज है वो लगातार क्या रहती है, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, अरे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, बढ़ रही, और 45 पर क्या हो गई मैक्सिमम, और अगर 45 से 90 की ओर जाएगी तो क्या हो जाएगी बेटा, रेंज क्या होगी कम होने लगेगी, यानी जो 45 के आसपास है उनकी रेंज क्या रहेगी सबसे ज़्यादा, 45 पर तो वैसे भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन जैसे अगर मेरे को देखना हो तो 44 और 46 पर क्या रहेगी बराबर, पर क्या रहेगी बराबर, और 43 और 47 पर बराबर, अरे रहेगी नहीं, 42 और 48 पर बराबर, तो इनमें से देखो 45 के पास में कौन है,
43 पास में है कि नहीं है, तो इसका रेंज क्या आएगा? ज़्यादा। अरे यार नहीं यार, पास में आर वन ग्रेटर देन आर टू आएगा कि नहीं आएगा? कैसे डिसाइड कर लिया हमने? जो 45 के पास में उसकी रेंज क्या जाएगी? बोलो। अरे शानदार है कि नहीं है? क्वेश्चन को सिखा के जा रहा है कि नहीं जा रहा? वैसे भी तुम डिसाइड कर ही सकते थे कि इनमें कौन बड़ा होता है, साइन 43 डिग्री 86 या फिर साइन 96 डिग्री, इनमें कौन बड़ा होता है, इनमें कौन बड़ा होता है, वो डिसाइड कर ही सकते हो। तो इसको क्या लिख सकते हो बेटा, साइन क्या लिख सकते हो इसको, 90 माइनस 4। इसको क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 6, तो ये कितना आएगा, कोस 4। अरे यार बोलो। और ये कितना आएगा, कोस 6, क्योंकि दूसरे में वैसे भी साइन प्लस होता है। अब कोस 4 बड़ा होता है कोस 6, कोस 4 वो 0 से लेकर 90 तक घटता जाता है, तो 4 ही क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब ये भी रेंज आर वन ही ज़्यादा आनी थी। अरे यार बोल। यस सर। नोट कर लो इसको फटाफट। ग्राउंड के सापेक्ष तो कर ही रहे, अभी ये वाले जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, थोड़े दिनों बाद में प्रोजेक्टाइल भी करेंगे रिस्पेक्ट में किसी के। एक एरोप्लेन देख रही है दूसरी एरोप्लेन की, ऐसा भी हो सकता है। एक बोट के अंदर बैठा हुआ दूसरे बोट को देखता है, ऐसा भी हो सकता है। बट वेक्टर को ठीक तरीके से ध्यान में रखो, आपका काम हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न लिखो। एक आदमी है बेटा, है ना, वो एक गेंद लेता है ना, मान लो विराट कोहली है। विराट कोहली जब गेंद को ऊपर की वजह से फेंकता है ना, इसे शूम करके, तो वो कितने तक जाती है, 80 तक जाता है, 60 मीटर ऊपर तक जाती है। 60 भी ज़्यादा ही ले लेते, चलो ना तुम्हारा ना आपका, ले लेता हूँ 50 मीटर ऊपर जाती है। कितने ऊपर जाती है? 50 मीटर। कौन, विराट कोहली? मजबूत आदमी है ना? अच्छा फेवरेट हो गया क्या? बढ़िया। तो भैया ये है विराट कोहली, और अगर विराट कोहली गेंद को ऊपर की ओर हाथ से फेंके, अच्छा फील्डर भी था वो, अगर वो हाथ से ऊपर की ओर फेंकता है तो कितनी ऊपर जाती है? 50 मीटर ऊपर जाती है। अब आपको बताना है, अब उसका दम तो उतना ही है ना उसके अंदर, कि वो दूर कितना फेंक सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर फेंक सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊँची फेंक सकता है? 50 मीटर। अब बताओ ज़्यादा से ज़्यादा दूर कितनी फेंक सकता है? 50 मीटर। वाह, कर ले कुछ, निकाल ले कुछ। इसको मिटा दूं ना, नहीं हुआ अभी तक रेंज का सूत्र लगा रहे हैं। बिल्कुल वही सही बात है, लेकिन एक हाइट का भी तो लगाना पड़ेगा। एच मैक्स कितनी होती है? यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। अरे भाई इस बार अगर थीटा 90 नहीं है क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बोलने की जरूरत है क्या? ये तो वही होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। यस सर। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कितना देर का है, 50 देर का है ना। अब दूसरा, रेंज बराबर कितना होता है, यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी, उसको लिखने की जरूरत है क्या, साइन टू थीटा को, क्योंकि मुझे तो मैक्सिमम करना है ना, तो 45 डिग्री पे ही फेंकूंगा, सीधी सी बात है। तो और यू स्क्वायर बाई डी जी का मान कितना आ रहा है, 100। अरे देखो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी अगर वो एच तक ऊपर फेंक सकता है तो दूर 2h तक फेंक सकता है, अगर एच तक ऊपर फेंक सकता है तो दूर 2h तक फेंक सकता है। नहीं पल्ले बड़ी बात, पढ़ रहे हैं ना, सिंपल चीज़ें हैं ये। yes, कोई बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ें नहीं आ रही ना अभी तक। yes, आएंगी आएंगी धीरे धीरे। एक और सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, कि दो प्रोजेक्टाइल हैं इस तरीके से, इसको टाइम लगता है T1, इसको टाइम लगता है T2,
इसको फेंका गया है मान लेते हैं थीटा वन एंगल पर, और दूसरे वाले को फेंका गया है थीटा टू एंगल पर, इस तरीके से। बताओ T1 और T2 में रिलेशन बताओ भैया, किसके लिए ज्यादा होगा T1? टाइम दूसरे के लिए ज्यादा होगा, क्यों होगा भाई? हाँ, क्योंकि Y वाला डिस्प्लेसमेंट ही डिसाइड करेगा टाइम तो। अरे करेगा कि नहीं करेगा? और Y का डिस्प्लेसमेंट किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है कि नहीं है? अरे बोल यार, अरे ज्यादा है ना। अगर इसमें ज्यादा है तो इसी का टाइम भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। अरे बोल पक्का, क्या ऐसा बोल दूं मैं एक साथ ही ऐसा बोल दूं क्या? अरे क्या एक साथ ही मैं ऐसा बोल दूं क्या? तुम श्योर होना इस बात में कि भैया इसी का टाइम ज्यादा आएगा, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है वाई डायरेक्शन का, ज्यादा, तो ज्यादा टाइम लेगा ही, सीधी सी बात है ज्यादा ही टाइम लेगा, कोई दो राय नहीं। अरे बोलो यार पक्का ना? अरे कर लोगे, कोई दिक्कत? इसमें जो सेम है वो क्या है बेटा? रेंज है। सेम है वो क्या है? रेंज है। तो R1 बराबर R2, क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 इंटू में Ux इंटू में Uy डिवाइड बाई G। अरे बोलो, दो पार्टिकल है तो मैं 1 एंड 2 लगा दूँ, बराबर 2 इंटू में Ux 2 इंटू में Uy 2 डिवाइड बाई G। अब देखो टिचक 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 कट गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के इक्वल होगा, बाकी हम कुछ कह नहीं सकते। अरे कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, कुछ भी कह नहीं सकते। अगर ज्यादा अच्छा अच्छे से लिखना है तो ऐसे बोल सकते हैं यू वन स्क्वायर साइन टू थीटा वन इज इक्वल टू यू टू स्क्वायर साइन थीटा टू थीटा टू। अरे बोलो, इतना ही कुछ अभी कहा जा सकता है? एक चीज और कह सकता हूं मैं, लेकिन अगर देखो रेंज क्या आ रही है दोनों ही कंडीशन में, बराबर आ रही है ना? अगर दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाता तो इसका मतलब होता थीटा वन और थीटा टू का सम कितना था? 90 डिग्री। कल ही मैंने बात करी थी थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ और वर्टिकल के साथ क्या होना चाहिए? सेम। रेंज तब भी सेम आती है, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? दोनों का यू क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यहाँ यू के बारे में अपन को दिया हुआ नहीं है, लेकिन टाइम के बारे में तो हम बता सकते हैं भैया, क्योंकि इसका वर्टिकल जो यू साइन यू वाला है ना वर्टिकल कंपोनेंट, वो क्या है इसका? ज़्यादा ही है, हाइट ज़्यादा है, सीधी सी बात है, हाइट ज़्यादा है तो वो उसी पर डिपेंड करता है वाई डायरेक्शन के ऊपर। अरे बोलो यस और नो, ऐसे पर्सन कर सकते हैं ना? ऐसे बहुत सिंपल पर्सन हुए कि नहीं हुए? ओके, बाकी अपन का अगली क्लास में कर लें, ठीक है? चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।